أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو मैं हूं मुफिन दफा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की क्लास चल रही है और आज उस सीरीज का हमारा 8वां लेक्चर है। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग अपनी पिछली क्लास की जो एक्टिविटी मैंने आप लोगों को दी थी उसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन था हु वाज इंट्रोड्यूस अ यूनिक पे इंसेंटिव सिस्टम, कि किसने हमारा यूनिक पे इंसेंटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वो हमारे पास हेनरी ली एल गेंट था। इसके बाद है हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, किसको जो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, तो वो हमारे पास फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर हैं। इसके बाद है हैंड आर्म एंड बॉडी मोशन यूज्ड एट द वर्क प्लेस इज द आइडिया ऑफ, के काम वाली जगह पे हाथ बाजू और बॉडी के जो मोशन है उनके इस्तेमाल का जो आइडिया है वो किसने पेश किया, तो वो हमारे पास फ्रैंक एंड लेलन ने जो है वो इसका आइडिया पेश किया। साइंटिफिकली सेलेक्ट ट्रेन टीच एंड डेवलप द वर्कर इज द थ्योरी ऑफ, कि ये थ्योरी किसने पेश की, ये थ्योरी हमारे पास फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने पेश की। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों ने भी यही जो है वो आंसर सॉल्व किए होंगे, आप अपने आंसर्स को जो है इसके साथ मैच कर लें। दोस्तों ये एक्टिविटीज देने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि साथ साथ आपकी जो है तैयारी भी होती चली जाए ताकि आपको कोई इशू ना हो। इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम आज की क्लास की जानिब, और जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम इंशाल्लाह आइंदा आने वाले लेक्चर के अंदर हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के थ्योरिस्ट हैं उनकी बात करेंगे। अलोंग विद दैट वी हैव आल्सो स्टडीज अबाउट द 14 प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट विच इज गिवन बाय हेनरी फियोल, तो हम आज उन 14 प्रिंसिपल को भी देखेंगे क्योंकि आज की मैनेजमेंट के अंदर भी उन्हीं 14 प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा है। कुछ इसमें से चेंज भी हो गई है, कुछ को जो है वो स्किप भी किया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जो है उसकी जो रूट्स हैं वो उन्हीं 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट के जो हैं प्रिंसिपल उन्हीं से जाके मिलते हैं जो कि हेनरी ने दिए। तो चलिए दोस्तों हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की जो पहली थ्योरिस्ट हैं वो फियोल ही को कंसिडर किया जाता है। फियोल के जो है वो 14 प्रिंसिपल थे। Fayol gives the 14 principles of management which are still being used nowadays, के आज भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब वो 14 principles कौन कौन से हैं? इसमें division of work है, authority and responsibility है, spirit है, crop है, discipline है, unity of command है, unity of direction है, subordinate of general interest है, remuneration of personnel है, the degree of centralization है, scalar chain है, ऑर्डर है, इक्विटी है, स्टेबिलिटी टेनियर है, इनिशिएटिव है, और लास्ट के अंदर स्पिरिट डी कॉर्प है। हम दोस्तों अगली स्लाइड पे अब हम बारी बारी इन प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन प्रिंसिपल के अंदर क्या है। तो हमारा जो पहला प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। एज द नेम सजेस्ट कि हम अपने काम की जो है वो डिवीजन कर रहे हैं। स्पेशलाइजेशन इंक्रीज आउटपुट बाय मेकिंग आवर एम्प्लॉइज मोर एफिशिएंट, कि जब हम किसी काम को डिवाइड करके करेंगे तो उससे हमारी जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा आएगी, हमारी जो स्पेशलाइजेशन है वो भी इंक्रीज होगी। तो ये हमारा पहला प्रिंसिपल है। इसके बाद जो दूसरी बात है वो है अथॉरिटी। मैनेजर्स मस्ट बी एबल टू गिव ऑर्डर, के मैनेजर जो है वो सिर्फ ऑर्डर्स को जो है वो गिव करेंगे। अथॉरिटी गिव देम दिस राइट, और अथॉरिटी जो है वो ये इस बात का उनको हक देती है। तो ये फियोल का जो है दूसरा प्रिंसिपल है। इसके बाद जो तीसरा प्रिंसिपल है वो है डिसिप्लिन। एम्प्लॉइज मस्ट ओबे, एम्प्लॉइज जो है वो ओबे करेंगे, फरमाबरदारी करेंगे, एंड रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट करेंगे द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन, उन सारे असूल जवाबत की जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये थर्ड प्रिंसिपल है। इसके बाद फर्दर है यूनिटी ऑफ कमांड। एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, के एम्प्लॉयज को जो ऑर्डर दिए जाएंगे उनको देने वाला एक ही बंदा होगा। नॉर्मली
आज भी अगर आप कंपनीज के अंदर देखें तो टॉप के ऊपर एक सीईओ बैठा होता है उस कंपनी का, जो सारे ऑर्डर्स को पास कर रहा होता है और वो पास होकर नीचे बॉटम की तरफ आ रहे होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। द ऑर्गेनाइजेशन हैव सिंगल प्लान ऑफ एक्शन टू गाइड द मैनेजर एंड वर्कर। के ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है कोई ना कोई प्लान ऑफ एक्शन या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए जिसके ऊपर वर्कर या मैनेजर मिलके काम करेंगे और उससे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है सबऑर्डिनेशन इंटरेस्ट। द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट मस्ट बी सुपीरियर देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। के ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरेस्ट होगी वो सुपीरियर होगी और जो इंडिविजुअल की इंटरेस्ट होगी उसको बाद में कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है रिम्यूनरेशन। वर्कर मस्ट बी पेड अ फेयर वेजेस फॉर देयर सर्विसेज। के जिन लोगों को आप काम पर रखेंगे आप उन्हें भी जो है वो रिम्यूनरेशन या वेजेस पे करेंगे। और वैसे भी है कि किसी भी मजदूर की जो है वो मजदूरी आप उसके पसीना खुश्क होने से पहले दे दें, ये तो हमारा एक इस्लामिक अंडरस्टूड जो है वो रूल है। तो यहाँ पे देखें फियोल ने भी जो है इन 14 प्रिंसिपल के अंदर एक जो प्रिंसिपल है वो रिम्यूनरेशन के हवाले से रखा कि आप वर्कर्स से जो सर्विसेज लेंगे उसके अगेंस्ट उनको कोई फेयर वेजेस जो है वो पे करेंगे। इसके बाद जो अगली स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है उसको देखते हैं जो के है सेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन के ऑल डिसीजन आर टेकन बाय वन पर्सन आर द अथॉरिटी ऑफ दैट कंपनी। के एक ही बंदा जो है वो सारे फैसले करेगा जो कि सेंटर के अंदर मरकज के अंदर बैठा हुआ है और वो नॉर्मली कंपनी का सीईओ होता है। इसके बाद बराक्स जो कॉन्सेप्ट है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन के ऑल द डिसीजन आर नॉट टेकन बाय वन पर्सन ओनली। कि आपके जो सारे फैसले हैं वो सिर्फ एक आदमी नहीं करेगा बल्कि ऑल द इम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी मस्ट बी द पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कि आपकी कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं या कुछ लोग वो जो हमारा डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसके साथ जो है इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे देखें सेंट्रलाइजेशन द डिग्री टू विच फॉरवर्ड ऑर्डिनेट आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसके बाद है स्केलर चेन। अब स्केलर चेन क्या है? द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द लोएस्ट रैंक इन द स्केलर चेन। के हमारी जो अथॉरिटी है वो टॉप मैनेजमेंट से शुरू होगी और फिर लोअर रैंक की तरफ चलती जाएगी। इसी को जो है वो चेन की सूरत में तो इसको हम स्केलर चेन का नाम देंगे। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या है? पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। के लोग और जो आपके रिसोर्सेज हैं वो राइट टाइम के ऊपर जो है आपको अवेलेबल होने चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो इक्विटी या इक्वालिटी भी इसे कहते हैं। मैनेजर शुड बी काइंड एंड फेयर टू देयर सबऑर्डिनेट। कि आपने इक्वालिटी रखनी है लोगों के दरमियान, मसावात। और इस्लाम भी जो है हमें मसावात का दर्श, ये नहीं है कि एक आदमी उसको आप 1 लाख तनख्वाह दें और दूसरा आदमी जो सेम उसी स्केल के ऊपर है आप उसको 60,000 तनख्वाह दें, तो ये इक्वालिटी नहीं होगी। तो आपने जो है इक्वालिटी भी रखनी है बिटवीन द सब ऑर्डिनेट्स। इसके बाद अगला जो हमारा प्रिंसिपल है वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है? मैनेजमेंट प्रोवाइड ऑर्डरली पर्सनली प्लानिंग एंड इंश्योर दैट टू फिल अवेलेबल वैकेंसीज। कि आपकी जितनी भी अवेलेबल वैकेंसीज हैं आपने उनको भी फिल आउट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इनिशिएटिव। एम्प्लॉइज हु आर अलाउड टू ऑरिजिनेट एंड कैरी आउट प्लान विल एक्सपर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट। कि आपने जो है नए प्लान्स को जो है वो इनिशिएट करना है, ऑरिजिनेट करना है। इसके बाद दोस्तों हेनरी का जो है वो आखिरी जो प्रिंसिपल है वो स्पिरिट डी कॉर्प। ये हमारे पास क्या? प्रमोटिंग टीम स्पिरिट विल बी बिल्ड हार्मनी एंड यूनिटी विद द ऑर्गेनाइजेशन। आपने जो है टीम बिल्डिंग के ऊपर फोकस रखना है इंस्टेड ऑफ वर्किंग अलोन।
कि आपने अकेले काम करने की बजाय टीम के ऊपर जो है वो फोकस रखना है। तो ये दोस्तों हेनरी के जो है वो 14 प्रिंसिपल थे जिनके ऊपर आज भी कंपनीज के अंदर काम किया जाता है। दोस्तों आज की क्लास के अख्तितान से पहले मैं आपको एक बात कहता चलूं कि आप लोग मेरे लेक्चर्स अगर इसी तरह लेना चाहते हैं तो आप कोशिश किया करें कि आप जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब के ऊपर भी लें ताकि मुझे भी वहां से कोई माली फायदा हासिल हो और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करता रहूं। तो दोस्तों हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और आपको जैसे पता है कि हम हर क्लास के इख्तिताम पे एक एक्टिविटी भी करते हैं जिसके अंदर चार क्वेश्चन मैं आपको ऑन द स्पॉट करवाता हूं और चार क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आप खुद तलाश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, द मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान टू ऑर्गेनाइज एंड कंपाउंड टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय हेनरी फियोल। इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन है, हेनरी फियोल लेट डाउन द 14 प्रिंसिपल, के इसने जो है वो 14 प्रिंसिपल जो है वो बनाए। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है स्पिरिट डी कॉर्प मीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, कि आप अगर यूनिटी के साथ हैं, यूनियन है, देन ही जो है आप ताकतवर हैं, और अगर आपकी यूनियन नहीं है, आपका इत्तफाक नहीं है, तो आप स्ट्रेंथन नहीं है बल्कि वीक हैं। और स्पिरिट डी कॉर्प का जो मतलब है वो भी यही है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ। इसके बाद आखिरी जो हमारा एमसीक्यू है वो है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वाज रिटन बाय, तो ये हमारे पास हेनरी फियोल ही थी। इसके बाद दोस्तों आप जल्दी से अपनी नोटबुक भी ओपन कर लें क्योंकि अगले जो है मैं आपको ये जो चार क्वेश्चन नीचे बॉटम के अंदर नजर आ रही हैं ये आप लोगों ने खुद से इनको सॉल्व करना है। आज की क्लास दोस्तों हम यहीं पे खत्म करेंगे और आखिर में हम एक बार क्विकली समराइज करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के जो थ्योरिस्ट थे उस हवाले से पढ़ा। इसमें हमारे पास जो बहुत फेमस नाम आता है वो हेनरी का आता है और हेनरी ने जो है वो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस करवाए जिनको आज भी कंपनीज के अंदर फॉलो किया जाता है। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं और आखिर में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके फीडबैक भी दिया करें और मेरा चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली मैनेजमेंट की क्लास में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।